हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहद पर प्यासे त्राही माम, ए खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। मरहूम शायर शाहिद मीर की लिखी गजल की ये पंक्तियाँ बाड़मेर के सैकड़ों गांवों पर हूबहू लागू हो जाती है। रेगिस्तान बालू मिट्टी में 45 डिग्री में तपते इलाके के लोगों ने पानी के अभाव में पीड़ितों तक जीवन जिया है, लेकिन अब हालात खराब होते जा रहे हैं। लोग गड्ढों में रिसते गंदले पानी को पीकर जीने को मजबूर हैं। हालांकि सियासत और उसके हाकिम सब ठीक है के दावे करते नजर आते हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर गाँव भाजपर 45 डिग्री से ज्यादा की भीषण गर्मी में इस गाँव की महिलाएं बूंद बूंद पानी का जुगाड़ करती हुई अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। ना कोई सुनवाई करने वाला, ना ही कोई पीड़ा समझने वाला। सुबह 7 बजे से रात तक ये जद्दोजहद कायम रहती है। इस इलाके के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, ना भूतों ना भविष्यति जैसे हाल है। ऐसे में यहाँ की जनता कंफ्यूज है कि वो सरहद पर है या किसी अलग मुल्क में। किसे कहें, वोट लेने के वक्त काफी मन मुत्रबल होती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, पर मीठा पानी दिखता नहीं। जिला मुख्यालय 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित बक्ते की बेरी भाजपर गांव की जलदाय विभाग की शर्मसार करने वाली तस्वीर देखिए। किस तरह महिलाएं कीचड़ युक्त गंदला पानी पीने को मजबूर हैं। इस गंदले दूषित पानी से प्यास तो बुझती है, इसी कारण यहां पानी की बारी पर भी घमासान मच जाता है। यहां की महिलाओं की माने तो ये किसी नारकीय यातना से कम नहीं। मुनाबाव रोड बक्ते की बेरी भाजपर की ये तस्वीर रोज आते जाते लोग देखते हैं। सियासत दानों से लगाकर हाकिम ये शर्मनाक तस्वीरें देखकर आंखें फेर लेते हैं। यही कारण है कि दशकों से क्षेत्र में पानी का वर्ष पर्यंत अकाल पड़ा है। गांव के पुरुष, इन्होंने भी जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए इस तरह से अपना पक्ष रखा। पिछले कई सालों से इस गांव में पानी की समस्या से तरस रहा है। जनप्रतिनिधि अधिकारी पानी के दावे करते हैं, लेकिन अभी तक लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ। जलदाय विभाग काफी बार शिकायत करने के बाद समाधान नहीं कर पा रहा है। यहाँ बनी जलदाय विभाग की जर्जर टाकी व पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और यहाँ की महिलाएं क्षतिग्रस्त पाइप के नीचे गड्ढे से बर्तन से बाल्टी भर पानी का जुगाड़ करती हैं। ग्रामीणों का कहना है, रामदेरिया से बक्ते की बेरी तक पानी के पाइपलाइन से पानी आता, लेकिन अब काफी समय से बीच अवैध कनेक्शन और 7 दिन एक बार पानी की सप्लाई के चलते पानी अंतिम छोर तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे में कई महीनों से गांव की महिलाएं मिट्टी के गड्ढे से पानी निकालकर परिवार पालने को मजबूर। जलदाय विभाग की इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पानी की भारी समस्या भाजपर समेत सरहदी कई गाँव में कायम है। बाड़मेर से जागरूक टीवी के लिए दुर्ग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।